नमस्कार, मैं दीपा राणा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बोल सकते बोल। अगर बात करूं दिल्ली की तो दिल्ली में राजनीतिक चर्चा से ज़्यादा चर्चा हो रही है प्रदूषण की, पराली की। दिल्ली में किस तरीके से प्रदूषण जो है कम किया जाए, प्रदूषण पर काबू किया जाए, उसके लिए अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ऑड इवन स्कीम लागू की है। अब देखते हैं उससे कितना कुछ निजात मिल पाया। आज हम यहाँ इस वक्त मौजूद है दिल्ली के दिल कैनॉट प्लेस में, जहाँ हम जनता से जानेंगे क्या प्रदूषण पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों को मिलकर काम करना चाहिए या फिर दिल्ली सरकार को इस पर ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। चलिए मेरे साथ जानते हैं कि जनता क्या बोलती है इस मुद्दे पर। नमस्कार अंकुल, क्या नाम है आपका? ये इनसे पूछ लीजिए, आप बताइए। अरे दिल्ली के प्रदूषण के बारे में क्या कहेंगे? दिल्ली के प्रदूषण के अभी तो थोड़ा फर्क है, इस वक्त फर्क है। क्या लगता है दिल्ली के प्रदूषण पर केंद्र सरकार को काम करना चाहिए, दिल्ली सरकार को? केंद्र सरकार को भी और दोनों को मिलकर ही काम करना चाहिए, मतलब मिलजुल कर काम करना चाहिए। मिलजुल के काम करना चाहिए। दिल्ली का प्रदूषण कैसे नियंत्रण काबू हो पाया? अभी जो भी पराली जल रही है उसके अंदर थोड़ी उनकी रुकावट करी है इन लोगों ने, और ऑडी वन चला दी है दिल्ली सरकार ने, इसके वजह से 25,000 गाड़ियाँ हटी हैं इस वक्त जी, उसकी वजह से काफ़ी मतलब कहीं ना कहीं ओड इवन जो स्कीम है लागू की थी वो फायदेमंद हो पाई जी। बिल्कुल फायदेमंद है, आप मानते हैं इस पर? बिल्कुल मानते हैं। चलिए और लोगों से जानते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? प्रदूषण का क्या हाल है दिल्ली में? दिल्ली में ठीक है, प्रदूषण ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है, बारिश से कम हो गया है, बारिश से कम हुआ है। हाँ, और कोई ओड इवन वो जो चला है उससे भी बहुत कम। अच्छा, दिल्ली में प्रदूषण पर केंद्र सरकार को ज्यादा चिंता करनी चाहिए फिर दिल्ली सरकार को? दोनों सरकार को, दोनों को मिलजुल कर काम करना चाहिए। क्या लगता है आपको, कर रही है दोनों मिलजुल कर काम? हाँ, कर तो रहे हैं। केंद्र सरकार भी उसमें इतना ही ध्यान दे रही है? हाँ जी, दे रही है। ओड़ीवन को कितना फायदेमंद मानते हैं? वो बहुत फायदेमंद है जी, बहुत फायदेमंद है। पहले बहुत जाम लगता था, धुआं होता था जी, अब एक आध घंटे में आ जाते हैं, एक आध घंटे में आ जाते हैं। तो प्रदूषण कम होने का एक कारण दिल्ली में चलाया गया ओड़ीवन स्कीम भी है। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार। प्रदूषण कितना कम हो गया दिल्ली में? आधा कम हो गया है। आधा कम हो गया, क्या कारण है इसका? कारण सबसे बड़ा कारण तो जो हरियाणा पंजाब से जो पराली जलाई जा रही थी जी, उससे काफी फर्क पड़ा है। मतलब अब वो पराली बंद कर दी गई है? हाँ, काफी हद तक। तो क्या लगता है इसमें केंद्र सरकार को आप मानते हैं उनका क्या काम है या फिर दिल्ली सरकार की वजह से? देखा जाए तो दोनों का है जी। हमारे जो दिल्ली के लोगों ने 7 साल से चुन के जो भेजे थे वो तो क्या कर रहे हैं जी? अकेले दिल्ली के सीएम का तो काम है नहीं है जी। वे 7 सांसद भी दिल्ली के सीएम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले तभी कुछ सॉल्यूशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। आपको लग रहा है क्या कंधे से कंधा मिलाकर चला जा रहा है? नहीं चला जा रहा, नहीं चला जा रहा। तो मतलब केंद्र सरकार की इसमें गलती मानते हैं दिल्ली सरकार की? देखो, केंद्र सरकार के 7 सांसद हमारी बात नहीं पहुंचा रहे हैं, और जो हमारे सीएम हैं वो कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, उनके काम में रुकावट डाली जा रही है। जिस तरीके से केजरीवाल का कहना है कि केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं करने दे रही है, इन भैया ने भी बताया कि केंद्र सरकार जो है उनके सांसद है वो दिल्ली सरकार से कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल रहे हैं और उनके काम को नहीं करने दिया जा रहा है। क्या नाम है भैया आपका? दिल्ली में प्रदूषण कैसा है? ठीक है। अब सांस लेने में कुछ राहत मिली कि नहीं? मिली है। मिली है, किसको इसका थैंकफुल देते हैं? केजरीवाल जी को। केजरीवाल जी को। चलिए और लोगों से जानते हैं उनका क्या मानना है। क्या नाम है अंकल जी आपका? हमारा किशन लाल। क्या लगता है दिल्ली का प्रदूषण कितना कम हो पाया? बहुत कम हो गया है। बहुत कम हुआ है। सांस लेने में पहले से राहत हुई कि नहीं? बहुत राहत हुआ है। इसका थैंकफुल किसको करना चाहोगे? बारिश को, जो बारिश हुआ है। बारिश को इसका धन्यवाद देना चाहोगे? और किसको देंगे जब बारिश? केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ये तो उनकी वजह से। कैसे बताओ? आप बताइए, आपको लगता है क्या? आप बताइए, उन्होंने ऑड इवन स्कीम जो लागू की है क्या उससे कुछ निजात मिला? नहीं नहीं, वो तो अपनी जगह है, जो बारिश वगैरह हुआ है ना जी, इससे हुआ है। ऑड इवन से कितना फर्क पड़ा? नहीं, उससे तो है ही फर्क, वो तो भीड़ भाड़ है, वो प्रदूषण है, वो तो अपनी जगह है। देखिए, मेन चीज जो अभी बारिश हुआ ना जी, वो अचानक वो प्रदूषण को खत्म किया है। अच्छा, दिल्ली में जो प्रदूषण है उस पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए फिर दिल्ली सरकार को? नहीं, वैसे तो देखिए दिल्ली सरकार केजरीवाल जी जो है जी, उनको ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना भी चाहिए, और बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या केंद्र सरकार कहीं ना कहीं उनके बीच में रुकावट डाल रही है? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है। ऐसा आपको नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है, वो अपनी अपना ये तरीका से काम करते हैं ये केजरीवाल जो है, ये अपना तरीका से इनका काम करने का जो तरीका इनका अलग है। तो फिर ये बार बार में क्यों कहते हैं कि मैं जिस तरीके से काम करता हूँ मेरे को केंद्र सरकार काम नहीं करने दीजिए? वो देखिए, वो उनका अपना पर्सनल मैटर है जी। उनका पर्सनल मैटर है, ये राजनीतिक है जी।
कौन किसको कहने से किसको क्या फायदा होता है, लेकिन असलियत आपको नहीं लगती ऐसी है? ऐसा मुझे नहीं लगता है। वैसे केजरीवाल जो है से अपने दिल्ली के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि केजरीवाल अपने तरीके से काम कर रहे हैं। यूथ से जानते हैं कि प्रदूषण में कितनी कुछ कमी आ पाई। क्या नाम है आपका? वरुण तिवारी। वरुण जी, दिल्ली में पॉल्यूशन है जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ था, कितना कम हो पाया प्रदूषण? बहुत कम हो गया है। किसको धन्यवाद देना चाहोगे इसका? केजरीवाल का। केजरीवाल को क्यों, ऐसा क्यों? क्यों, काम अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से प्रदूषण कम हुआ? बाहर निकल के आप खुद देख रहे होंगे ना, काम हो रहा है। ओरियन स्कीम से प्रदूषण मानते कम होते? ऑडिबल से हाँ कम होता है, उससे भी कम हुआ। हाँ कम हुआ। अच्छा, जो प्रदूषण है उस पर केंद्र सरकार को ज्यादा काम ध्यान देना चाहिए या फिर दिल्ली सरकार को? केंद्र को भी देना चाहिए, दिल्ली सरकार को भी देना चाहिए। लग रहा है दोनों मिलजुल कर का ध्यान दे रहे हैं? नहीं दे रहे। गलती किसकी है, केंद्र सरकार की फिर दिल्ली सरकार की? केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार की क्यों? अब ऊपर करेंगे तभी तो करेंगे, अपने पास थोड़ी करेंगे दिल्ली सरकार। जी जी, तो जिस तरीके से केजरीवाल कहते हैं कि केंद्र सरकार उनको काम नहीं करने दे रही, आप इस बात से सहमत है? अब ये उनका क्या है, वो हमें, हम तो एक आम पब्लिक आदमी है, यहाँ रोड पे दुकान लगाते हैं, किस तरह यहाँ परेशानी कैसे कैसे निकालते हैं, अब वो मैं क्यों किसी को दोष दूँ? चलिए, आपको लगता है मतलब केजरीवाल के जो ओडिशन स्कीम है उसकी वजह से प्रदूषण कम हो पाया है? कितनी कमी आ पाई भैया? बहुत सारा कमी है। बहुत कमी आ पाई। सांस लेने में राहत है कि नहीं? बिल्कुल। दिल्ली में ओड इवन स्कीम जो लागू की गई थी उससे फायदा हुआ कि नहीं? थोड़ा बहुत हुआ है, ज्यादा तो नहीं हुआ। ज्यादा? फिर प्रदूषण कैसे कम हुआ? प्रदूषण कम होगा, प्रदूषण हमेशा थोड़ी रहेगा, हमेशा तो। चलिए ठीक है, इनका कहना है कि दिल्ली में ओड इवन स्कीम से प्रदूषण में कुछ फायदा हुआ, लेकिन जैसे ओवरऑल हमने अभी अपना जो प्रोग्राम किया उसमें यही निकल कर आया, सीपी की जनता ने बताया कि प्रदूषण कम होने की वजह यही है कि दिल्ली में जो ओड इवन स्कीम लागू की गई थी उससे प्रदूषण कम हुआ। और साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी दोनों को प्रदूषण कम करने के ऊपर काम करना चाहिए, और जो नहीं कर रहा है उसको सबक लेकर जनता की बात मान लेनी चाहिए। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।